गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर से दीपक भाई के यहाँ, और आज सीन कुछ ऐसा है कि इंटरसेप्टर इज सोल्ड। तो मैं बताता हूँ बाद में, पहले ये देखते हैं। दीपक भाई, ये कितनी पुरानी है? 84। कितना? 84 की है। G2 है ना? नहीं, लेकिन साउंड कड़क है इतना पुराना, साउंड एकदम कड़क है। और ये 500 है? नहीं। अच्छा, स्टिकर 500 का है, वही सोच रहा हूँ। चाबी बोलूँ तो मैंने इंटरसेप्टर निकाल दिया। निकालने का मेन रीज़न है कि अभी तो मैं कोई राइड कर नहीं रहा हूँ और वो ऐसे ही खड़ी है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो उसका अभी वो ना टॉप हेवी बन गया है, तो टॉप हेवी बनने की वजह से क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट दैट सिटी फ्रेंडली एनी मोर। सिटी फ्रेंडली छोड़ो, जब हम लोग हाईवे में जाते हैं अगर स्ट्रेट है तो इट इज़ रियली गुड प्लश राइड है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। एंड मेरा टारगेट है अभी थोड़ा सा लाइट बाइक हो। आई फील बुलेट, सिंस मैं बहुत टाइम से क्लासिक या बुलेट चला रहा हूँ, आई एम मोर यूज टू विथ इट। सो मुझे ही तो ये सिटी में बहुत इजी लगता है टू यू नो ट्रैफिक में जाना वगैरह ये सब। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट इंटरसेप्टर में मुझे लग रहा था काम भी आने वाली है, जैसे कि मुझे क्लच प्लेट का फील आया। एंड उसको मैं जो करवाने वाला था, दैट वॉज लाइक टोटल इंजिन ओवरऑल, जो मैंने करवाया नहीं। एंड सीरीज मैंने निकाल लिए, दैट इज़ अनदर थिंग। आप जब सेल करते हो बाइक, टू व्हीलर, वट एवर, फोर व्हीलर, एक्सेसरीज का वैल्यू नहीं मिलता, इसे निकाल लेना पड़ा। उसमें फिर भी बहुत सारी और भी एक्सेसरीज थी जो मैंने नहीं निकाला। एंड यू नेवर गेट वैल्यू फॉर दैट, जैसे कि मैंने रेडिस्टेंट का टायर डाला था एंड अलॉय व्हील्स डाला था, दैट इटसेल्फ वुड कॉस्ट मी अराउंड 30,000, बट सेल करते टाइम वो प्राइस नहीं मिला। पीपल डोंट वैल्यू एक्सेसरीज जो भी काम के रहते हैं, एंड दे डोंट पे दैट। सो आप जितना भी आपको जब सेल करना रहेगा, ट्राई टू कीप इट स्टॉक एज मच एज पॉसिबल। एंड दूसरी बात है, आई एम गोइंग टू फोकस मोर नाउ ऑन बुलेट 500 एंड आई एम वेटिंग फॉर बुलेट 650 लॉन्च हो। उसके बाद मुझे देखना है कि उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, हाउ इट बिहेव्स ऑन द रोड। नहीं तो गोरिल्ला 450 है ही, आई हैव एन ऑप्शन। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इसका स्प्रॉकेट भी इस तरह से गया रहेगा। कितने सारे दांत गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो गए हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो चेन स्प्रॉकेट ही नया ही डाल लेते हैं। फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि बुलेट ना, इट इज़ ईजियर टू मेंटेन दैन इंटरसेप्टर, भले ही इसमें प्रॉब्लम है। और ये मतलब लोगों का ये रोना मेरे को नहीं समझ में आया कि 450 में जो इंजन है वो सस्पेंडेड मेंबर है ना, तो ये भी वही है ना। अपना क्लासिक उठाओ, बुलेट उठाओ, 350, 500 पुराना, सब वही है ना। तो कभी ऐसा टेंशन पहले नहीं आया। खुला नहीं,
नहीं, हाथ से नहीं खुलेगा, मारने में जगह नहीं मिलता। मल्टीपर्पज चेन लुब्रिकेंट, मेरा मेन कंसर्न यही था कि क्लीन करना। बोल दे क्या स्लज है, पाना ला बड़ा ला फटाफट। इधर लगा, गेरवा में डाला, फुल गियर निकाल, चेन क्यों नहीं निकाला रे, चेन क्यों नहीं निकाला ये, इसका लाइट इतना कम। अभी नहाना करते काम बहुत ज़्यादा आ गया, ऑयल चेंज करते हुए पता चला नीचे का जो नट था वो नट भी टूट गया, तो ये अभी थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। अभी हो रहा है शाम का 6:23, गाड़ी का काम हो गया है, तो अपने इधर अभी ऑक्स लैम्प जो है इसका भी फिटमेंट हो गया है। चलो लगे दो चीज़ अच्छा हुआ, मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा था वो चेन के लिए हो रहा था, तो चेन स्प्रॉकेट भी नया डल गया, पीछे का जो बियरिंग था वो भी चेंज हो गया, और ये जो नट था ये भी नया रिप्लेस हो गया। हाय गाइस, माय सेट एक्सेप्ट हैज बीन अ रिलायबल कंपनी ऑन द रोड, बट इट्स टाइम टू पुश द लिमिट्स, सो आई डिसाइडेड टू पुट ऑन अपोलो ट्रैपलर XR, and this is a tire that is designed for unmatched performance and durability. I have used this in my Dominar before, so I know how good this tire can be, and the uniqueness of this tire is isme na alag alag jagah pe alag alag locations ka naam diya hua hai, jaise Malshej Ghat hai, then Lonavala hai, aur bahut sara diya hua hai just to name them. To abhi mujhe iska performance bhi check karna hai, and आज मैं राइड कर रहा था तो आई पुश्ड इट टू 100, बट आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, एंड इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी उतना सही नहीं लगा, सो आई स्टिल थिंक देयर इज समथिंग मोर टू वर्क ऑन दिस, सो आई विल कम अप विथ माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ।